नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। देखिए, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के पास जो किसान है धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं। संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज दूसरा दिन है, काफ़ी किसान हमारे साथ मौजूद है। शाम का समय आपको बता दें कि जो चौपाल लगा के गांव में बैठा करते हैं वैसी स्थिति देखिए आपको यहां मिलने वाली है। हुक्के के साथ यहां लोग बैठे हुए हैं, पंचायत कर रहे हैं और अपना वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो, बातचीत करेंगे कि किन समस्याओं को लेकर यहाँ बैठे हैं। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आए? मेरा नाम नरेश मुखिया, गांव सैनी, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। क्या कहना चाहेंगे, मुख्य क्या मांगे हैं? मुख्य मांगे 10% प्लॉट जो हमारा 2006 में अधिग्रहण किया, उसके बाद प्राधिकरण ने लिखित में भी दे दिया कि हम आपको देंगे 64% साथ दे दिया हमें और 10% प्लॉट नहीं दिया है। उसके लिए हम 12 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और अब आर पार की लड़ाई है। अब अपना प्लॉट लेके ही जाएंगे घर, इतने नहीं जाएंगे। हमने डेरा डाला हुआ है, ट्रैक्टर ट्रॉली सब पेटेंट करके लाए हैं, चूल्हा चाकी सब चीज़ हमारी यहीं है और मजबूती के साथ लड़ेंगे। हमारे भाई बंधु, पूरा गाँव, सब पूरा समाज, सब किसान सारे अपने लड़ने के लिए तैयार, अपना हक लेके रहेंगे। आप क्या नाम है सर, आपका क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आप आए? पाल सिंह खैरपुर। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत लंबी लड़ाई लड़ते हुए बहुत समय हो गया है हमको और हमारे 10% नया कानून, दो ही प्रमुख मांगे हैं। 10% का ऐसा है कि कुछ लोगों को दे दिया है कोर्ट जो चले गए थे, और बाकी जो लोग रह गए थे उनसे इन्होंने एफिडेविट ले लिया। अभी आप कोर्ट मत जाइए, हम आपको 10% भी देंगे और 64.7% मुआवजा भी देंगे। तो 64.7% मुआवजा तो इन्होंने दे दिया, लेकिन आज तक इन्होंने 10% एक आदमी को भी नहीं दिया है। उसी दिन से बहका रहे हैं और अब कहते हैं कि हमारे पास ज़मीन नहीं है, जबकि ज़मीन गांव में बहुत पड़ी हुई है। मतलब इनकी नीयत ख़राब है, देना नहीं चाहते। और अब की बार किसान आर पार की मूड में है कि 10% लेके ही घर वापसी लौटेंगे। देखिए, कल हमने यहाँ देखा राकेश टिकैत किसान नेता यहाँ पे आए थे, जन सलाब उबड़ा है किसानों का। क्या लग रहा है शासन प्रशासन, क्या आपके कुछ सुनेगा किसानों की? देखो, अभी तो सुनवाई करी ना, कुछ आगे समय बताया वो, पर एक किसान हटेंगे नहीं, अड़े बैठे रहेंगे, चाहे गोली भी चलवा लें, मारे भी जाएं, बिगर आर पार के जाएंगे नहीं किसान एक भी। ये तय कर लिया उस क्षेत्र ने, इतना हमारी मांग पूरी नहीं होंगी, इतने में हटेंगे नहीं हम। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या नाम है, कहां से आप आए हैं? देखिए, किसान नेता ने भी हुंकार कल दी है, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आप, कहां से आए हैं? हमारा करतार सिंह नाम है और सैनी से आए हैं हम। क्या कहना चाहेंगे, अपनी मांगन पूरा करके जाएंगे, बैठे हैं, अपना हर चीज़ हमारी है, हुक्का है, खाना है और सब चीज़ तैयार होकर आए हैं घर से, अपनी पूरी मांग करवा के ही जाएंगे। आर पार की लड़ाई है, अब क्या पीछे को कुछ नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, आर पार की लड़ाई के मूड में देखिए यहाँ ये लोग। क्या कहना चाहेंगे सर, देखिए अभी प्राधिकरण के आप सामने हैं, दूसरा दिन है, क्या अधिकारी ने कोई आके फिर से बात की है अभी तक? क्या कहा कल? मेरा नाम सोनू कसाना है, गांव बदौली से, नोएडा से। कल जो है हमने यहाँ के अपनी पंचायत महापंचायत की जो घोषणा की थी पिछले कुछ दिनों में, वो कल पंचायत की यहाँ पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी से सारे किसान ही आए। बात क्या है मैम, बात ये है कि जब इन्होंने हमें मुआवजा दिया था ना 2000 में, 2002 में, 10 में, 7 में, तो इन्होंने हमें 90% पेमेंट की। हमारा 100 रुपये में बनता है, 90 रुपये ने दे दिया, हमें 10 रुपये रख लिए, कभी इसके बदले प्लॉट देंगे। अब मेरे यहाँ 2007 का अधिग्रहण है, 2007 से और अब 24 में बैठे हैं, 17-18 साल हो गए हमें। 17-18 साल से 2 करोड़ रुपए के आसपास मुआवजा मिला था, 20 लाख रुपए दबाए बैठे हैं। जो प्लॉट मिला था ना, तो प्लॉट मिला है ना हमारे पैसे मिले हैं। ये कहते हैं कि किसान गलत हैं, आप आइए आमने सामने बैठिए, हमारे हमसे बात कीजिए, आप सरकार के जो भी बासिंदे हैं, जो भी हमारे सांसद हैं, बात करें हमसे। अगर हम गलत हैं तो हम टंडीरा आज उठाएंगे अपना, यहाँ से भाग जाएंगे। अगर प्रशासन गलत है तो हमारी बात सुने। योगी